अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपको ढाबा देसी में चिकन जाल फ्रेजी बनाना सिखाएंगे जो आपने कभी नहीं बनाई होगी। आज इस तरीके को ज़रा गौर से सुनिएगा। हमने दो अंडे, काली मिर्च और नमक डालकर फेंट लिए हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। हमने अंडे में येलो कलर भी डाला है और अब हम इसे फ्राई करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये अंडा मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। अब हम इसके बाद ऑयल में थोड़ा सा लहसुन ऐड करेंगे। इसके बाद हमने आधा किलो चिकन लिया है, उसको बीच में डाल देंगे। इसको अब हम अच्छी तरह से भून लेंगे। अब ये चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें केचप डालेंगे। केचप के बाद हम इसमें थोड़ा सा टमाटर डालेंगे। अब हम इसमें एक चम्मच के बराबर खुश्क धनिया डाल देंगे। इसके बाद एक चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, एक चम्मच नमक, एक चम्मच काली मिर्च और एक चम्मच हल्दी डाल देंगे। यह बहुत अच्छी ग्रेवी तैयार हो चुकी है और अब हम इसमें एक प्याज कटा हुआ डाल देंगे। इसके साथ ही हम एक अदद शिमला मिर्च बीच में डाल देंगे और इन्हें अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अब हम इसमें एक टीस्पून ब्लैक सोया सॉस डाल देंगे और जो हमने अंडा फ्राई करके रखा था वो इसमें डाल देंगे। और अब ये मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है। इसके ऊपर अब हम अदरक छिड़क देंगे और इसके साथ ही हरा धनिया ऊपर डाल देंगे और यह बहुत ही उम्दा चिकन फ्रेजी तैयार हो चुकी है। उम्मीद है ये आपको पसंद आएगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा।